स्वागत है। आज हम आपके लिए तिरंगा मिठाई की रेसिपी लेके आए हैं। आइए देखते हैं तिरंगा मिठाई कैसे बनता है। देखिए हम तिरंगा मिठाई बनाने जा रहे हैं। तिरंगा मिठाई बनाने के लिए हमने एक कटोरी से थोड़ा सा कम हमने कोकोनट पाउडर लिया है। जितना हमने कोकोनट पाउडर लिया है उतना ही हमने सूजी भी लिया है, एक कटोरी से थोड़ा कम है। आधा कटोरी हमने चीनी लिया है, एक गिलास हमने गरम दूध लिया है। देखिए हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है। पहले हम सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को हमें हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। कोकोनट पाउडर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हमें सूजी और नारियल का बुरादा को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें कच्चापन दूर करना है और फ्लेम हमें एकदम मीडियम रखना है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने हिसाब से ले, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे। हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। अच्छा से चलाते हुए, लम्स नहीं पड़ना चाहिए। इसे हम अच्छे से मिला के एक दो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा दूध पूरी अच्छी तरीके से सूख चुका है और हमारा मिश्रण एक डो की तरह तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे ये ठंडा भी हो चुका है, ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है। और हमने खाने वाला फूड कलर लिया है, ग्रीन ऑरेंज। सूजी या कोकोनट का जो मिश्रण है इसको हम तीन भाग में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे तीन भाग में, आधा आधा कर देंगे। हमने तीन पार्ट में बांट दिया है। अब एक भाग जो है इसमें हम और एक हम ऑरेंज मिला देंगे एक में। देखिए हमने मिक्स कर लिया है कलर को। अब इसका हम मिठाई बनाएंगे। एक ट्रे में हमने घी लगा लिया है चारों तरफ। पहले हमने ग्रीन कलर को के मिश्रण को अच्छे से प्लेट में चारों तरफ से फैला लिया है। अब हम ऑरेंज कलर का जो लेयर मिश्रण रखे हैं उसका लेयर लगाएंगे। देखिए हमने ऑरेंज कलर के भी लेयर को अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैलाते हुए लगा दिया है। अब इसे हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद इसका हम कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी मिठाई अब सेट हो चुकी है। 10 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। अब इसको हम स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेंगे। देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमारी मिठाई कितनी सुंदर बनी है।
और हम आपको अगर साइड साइड से थोड़ा सा निकल जाए तो हाथ से प्रेस करके दबा दीजिए और हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई बनके तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।